शाह महमूद कुरैशी ने मोदी सरकार को अमन दुश्मन करार दे दिया। वजीर खारजा कहते हैं कि बीजेपी हुकूमत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। अफगानिस्तान में भी भारत तकरीबकार का किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि वज़ीरिस्तान हो या LOC पर फायरिंग, भारत को पाकिस्तान का अमन एक आंख नहीं भाता। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने अपने बयान में कहा है कि भारत अफगानिस्तान में अमन नहीं चाहता और वो अफगान सरजमीन पर तकरीब कार का किरदार अदा कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि गुज़श्ता दिनों चीन के हाथों 20 भारतीय फौजियों की हलाकत के बाद इंतहा पसंद बीजेपी सरकार बेपनाह दबाव में है और लद्दाख में रुसवाई पर भारत के अंदर से सवालात उठ रहे हैं, जबकि ऑपोजिशन भी नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों ले रही है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि हाल ही दिनों सिंध में होने वाले दहशतगर्दाना वाक़यात का गौर से जायजा लेना होगा और इसने सूरतेहाल पर OIC के वज़राए ख़ारिजा से भी राबता किया जाएगा, क्योंकि खदशा है कि भारत अपने अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल में भी सीज़फ़ायर की खिलाफ वर्जियों में इजाफा कर सकता है।